इनकी माने तो बुंदेलखंड बेड़ियों में लिपटा है, इसलिए खुद भी बेड़ियों में बंद गए। आखिर कैसे भी तो प्रचार मिले। बांदा सदर सीट से संजीव कुमार मैदान में है, प्रचार के लिए बुंदेलखंड की बदहाली को हथियार बनाया और खुद को जंजीरों में जकड़ दिया। मिलिए अनोखे उम्मीदवार से। बांदा का बेड़ीदार उम्मीदवार, बुंदेलखंड को बंधन मुक्त कराएंगे संजीव कुमार। प्रचार के लिए प्रत्याशी का अनोखा हथियार, जंजीरों में बंद कर रहा प्रचार। इसे बुंदेलखंड की व्यथा कहें या वेदना को भुनाने का तरीका, बांदा सदर से एक उम्मीदवार ने अनोखा तरीका निकाला प्रचार पाने का। बुंदेलखंड की बदहाली के नाम पर वोट मांगने निकला है और खुद को बुंदेलखंड का प्रतिबिंब बता रहा है। सियासी सौतेलेपन पर सवाल उठाते हुए बुंदेलखंड को बंधन मुक्त कराने का फैसला लिया है। बांदा से ये उम्मीदवार खुद को जंजीरों में लपेट कर वोट मांग रहा है। हमारा बुंदेलखंडवासी भुखमरी, बेरोजगारी, कर्ज की जंजीरें पहना हुआ है, वो हमारे बुंदेलखंड वासियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके शरीर में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं उसका प्रतिरूप जो मैंने अपने ऊपर डाल लिया है, जिससे वो देख सकेंगी वास्तव में बुंदेलखंड वासी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इन सब चीजों को देखते हुए मैंने कहा अपना आवाज बुंदेलखंड में तो उठती है, अब की बार बुंदेलखंड की आवाज विधानसभा में पहुंचानी है, इसलिए इंजीनियर संजीव कुमार बांदा विधानसभा से प्रत्याशी हो गया है। सफेद लिबास में बेड़ियों में जकड़े ये महाशय हैं बुंदेलखंड गठबंधन मोर्चा के उम्मीदवार संजीव कुमार, जिन्होंने कर्ज, मर्ज, बेरोजगारी और भुखमरी से जकड़े बुंदेलों की दुर्दशा दिखाने के लिए खुद को बेड़ियों से जकड़ रखा है और सड़कों पर घूम घूम कर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इनके समर्थकों का कहना है कि चुनाव जीत कर खुद अपनी आवाज बुलंद करेंगे, किसी दल पर कोई भरोसा नहीं है। भारती जी को चुनाव लड़ाया था और इस बात का आगाज किया था कि हम तीन साल के अंदर बुंदेलखंड राज बना देंगे। ना तो उन्होंने पुनः राज्य गठन का आयोग का गठन किया है, ना ही बुंदेलखंड की अभी तक मैनोफेस्टो उन्होंने रखा है। वो क्या है, हमने तो नारा दिया है उमा भारती झूठी है, बुंदेलखंड से रूठी है। इसलिए इनका वादा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे उमा भारती जी, अभी गंगवार जी ने 2 माह पहले उन्होंने भी बुंदेलखंड राज की बात की, लेकिन केवल झुंझुना पर पकड़ाने का काम करते हैं। ना तो बुंदेलखंड राज बनाने की बात करते हैं, ना वो बनाना चाहते हैं। दरअसल काफी वक्त से बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग होती रही है। सूबे का बुंदेलखंड इलाका हमेशा कुदरत के कहर से कराहता रहा है। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं यहां बनी रहती हैं। पलायन भी यहां चरम पर है। इसी समस्या को हथियार बनाकर ये उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बांदा से समाचार प्लस के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।